सो क्या आप भी अपने घर पे बोर हो रहे हो, दिन भर नेटफ्लिक्स चला रहे हो, अमेज़ॉन प्राइम चला रहे हो, सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, या फिर दिन भर मतलब अपना टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, तो मैं आज आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ जिसमें कि आप दिन में 2 या 3 घंटे देखे उससे आप कुछ इनकम कर सकते हो अपने घर बैठे ही, और उससे आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छी बना सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए। सो गाइस, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा पता नहीं। सरकार बोल रही है सबको घर पे रहने के लिए, तो घर पे रह के आप अगर पैसे कमाना चाहते हो तो ये आइडिया आपके लिए बहुत एक खास होने वाला है। इसके लिए आपको बस चाहिए अपना एक स्मार्टफोन और आपको एक कुछ आइडिया चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो पर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के बारे में, जिसकी मदद से आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो और यहाँ से आप इनकम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये आइडिया है क्या। तो इस आइडिया में आपको करना है कि आपको अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है। यहाँ पे मैं स्टेप्स आपको बता दूंगा आगे वीडियो में कि आप किस तरह से अपना यूट्यूब चैनल को बना सकते हो और उसे ग्रो कर सकते हो। पहले आप इसे देख लो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो। आपको जो पसंद है, अगर आपको टीचिंग पसंद है, आप लोगों को पढ़ाना चाहते हो, या फिर आपको मैथ्स आता है, आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो आप कुकिंग के ऊपर एक चैनल बना सकते हो, या फिर आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है तो आप मतलब अलग अलग जगहों के बारे में बता सकते हो कि आप यहाँ गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। इन सारी चीज़ों के बारे में आप एक वीडियो बना, अगर आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी आती है तो आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो। बहुत लोग इन सब चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, इन सब टॉपिक्स की सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। आप अपना व्लॉग बना सकते हो कि दिन भर आप क्या कर रहे हो अपने घर में, उन सारी चीज़ों को उसे एक वीडियो में कन्वर्ट करके आप उससे भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा आइडिया जो है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि हम किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा प्रोसेस कि आप अपना वीडियो कैसे बनाओगे, आप कहाँ से इसको एडिट करोगे, कहाँ पे इसे अपलोड करोगे, किस तरह से अपना चैनल बनाओगे। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाके अपना यूट्यूब खोल लेना है, और यहाँ पे आपको अपना यूट्यूब चैनल पे अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके लिए आप सबसे पहले आप अपना जीमेल का एक अकाउंट बना लो, वहाँ से फिर लॉगिन कर लो। उसके बाद अपने राइट साइड पे आप देखोगे, अपने इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखेगा और आपका जीमेल आईडी दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट अ चैनल, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाई होगा क्रिएट अ जर्नी इज बिगिंस, तो यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यूज़ योर नेम या फिर यूज़ अ कस्टम नेम। तो यहाँ पर हम कस्टम नेम में चले जाते हैं और यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल लेते हैं, जैसे टेक विथ मी, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं फिर। तो ये आप देखोगे कि आपका चैनल अब सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहाँ पे अपन पिक्चर अपलोड कर सकते हो, जो आपको जो डीपी रहेगा आपके चैनल का। यहाँ पे आप अपनी चैनल के डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, किस बारे में आप वीडियो बना रहे हो उसके बारे में आप लिख सकते हो, या फिर आप कब कब वीडियो डालते हो उस बारे में लिख सकते हो। नीचे जाओगे तो यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, अगर आपके पास वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपने फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम के आप अपने दे सकते हो लिंक्स। तो यहाँ पर हम इसे सेटअप लेटर कर देते हैं क्योंकि हमें अभी डालना नहीं है इसे। सो गाइस देखो, तो ये हमारा चैनल बन चुका है, और यहाँ पे आपको देखो कस्टमाइज चैनल यूट्यूब स्टूडियो, इसे आप कस्टमाइज़ करके यहाँ पे आप अपने डीपी वगैरह को चेंज कर सकते हो। तो नाम नाम चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया चैनल बनाने का प्रोसेस, 2-3 मिनट में ही आपका चैनल बस बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने अपनी वीडियो एडिट कर ली है, बना लिया आपने अच्छे से वीडियो, तो अब अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट आप वीडियो और पोस्ट, तो हम इसे आप क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड वीडियो पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट फाइल्स, तो यहाँ पे हम अपने फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वीडियो आप देखो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, वीडियो का नाम मैंने सिटी लाइट्स रखा है। यहाँ पे आप अपना वीडियो का टाइटल डाल सकते हो, इससे आपका SEO अच्छा होता है और आपकी वीडियो जो है ज़्यादा लोगों को सजेस्टेड होती है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भर दो इस वीडियो में लिख देते हैं कि सिटी लाइट्स अमेजिंग वीडियो, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी डाल सकते हो। यहाँ से आप अपने थंबनेल को सेलेक्ट कर सकते हो,
उसके नीचे आप जाओगे तो आप प्लेलिस्ट बना सकते हो, जैसे आपके बहुत सारे वीडियो एक ही तरह के हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना लो। तो ये है, यहाँ पे आपको करना रहता है, अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। एज रिस्ट्रिक्शन में जाके आप यहाँ पे, एज रिस्ट्रिक्शंस में जाके आप यहाँ पे नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 ओनली, इससे आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको टैग्स के सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे टैग्स आप बहुत ज़रूर डालना, आपका वीडियो किस बारे में उससे रिलेटेड आप टैग्स डाल सकते हो यहाँ पे, इससे आपका SEO अच्छा होता है वीडियो का। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो कौन सी लैंग्वेज में आपका वीडियो है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है। रिकॉर्ड डेट आप डाल सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो वीडियो का, और इन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है कुछ। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैटेगरी, कैटेगरी में जैसे आप कैटेगरी में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख लगते हैं, इसमें आपका जो सा भी कैटेगरी है आप उसे क्लिक कर दो। जैसे मैं यहाँ पे फिल्म एंड एनिमेशन करके दे देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो जो है वो पूरा रेडी हो चुका है, यहाँ पे इसे अपलोड होने देते हैं हम पूरा। फाइनली हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे विजिबिलिटी पे क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ से आपको सेव और पब्लिश यहाँ पे करके आप इसे सेव तक कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिक में दबा के इसे आप वीडियो को पब्लिश कर दो। सो गाइस, ये था पूरा प्रोसेस वीडियो अपलोड करने का, आप यहाँ देखोगे मेरा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। सो गाइस, ये था सारा प्रोसेस अपने आपके वीडियो बनाने से लेके अपलोड करने तक। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने इस वीडियो से पैसे कमा सकते हो। तो YouTube पे एक सबसे पहला ऑप्शन है, जो सबसे बेसिक ऑप्शन है जिससे पैसा कमा सकते हो आप, वो है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल आपके वीडियोस पे ऐड चलाता है और उसके बदले आपको कुछ कमीशंस देता है गूगल। तो इसमें आपको पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। यह आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे क्या क्या आपके चैनल को होना चाहिए, जिसमें आप अगर इन सारी चीज़ों का आप पास करते हो तो आपका गूगल जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ अपने बैंक डिटेल्स भरने पड़ते हैं वहाँ पर। उसके बाद हर महीने आपके चैनल पर एक पेमेंट आने लगेगा और हर महीने आपको $100 के ऊपर रहना चाहिए आपका थ्रेशोल्ड, उसके बाद ही आप उस इनकम को निकाल सकते हो। जैसे धीरे धीरे आप अपना चैनल ग्रो करोगे, आपके व्यूज़ आएंगे, आपके सब्सक्राइबर आएंगे, आपके पास ब्रांड्स आने लगेंगे बहुत सारे, आपको बहुत सारे अफिलिएट के लिए पैसे मिलने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बाद में आपके बहुत सारे इनकम के सोर्स बन जाएंगे आपके सिर्फ एक वीडियो। YouTube पे आके आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हो। पैसे के यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बस आपको एक बहुत अच्छा वैल्यू देना है लोगों को, और अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो आप उससे ज़्यादा और पैसे भी कमा पाओगे। तो लास्ट में मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ जो YouTube पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग अपना चैनल खोल भी लेते हैं और 10-20 वीडियो भी डाल देते हैं, बट अगर वो ग्रोथ रेट नहीं देखते हैं तो वो उसे डालना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यूट्यूबर की स्टोरी बताता हूँ जो दुनिया के अभी सबसे ज़्यादा कमाने वाले यूट्यूबर्स में से एक है। उनका नाम है मिस्टर बीस्ट। उन्होंने 5 साल तक लगातार वीडियोज़ डाले थे। अभी जो उनकी महीने की इनकम है वो करोड़ों रुपये में है, और उससे आप मतलब हर महीने वो उनसे ज़्यादा कमाते जा रहे कमाते जा रहे। वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए डोनेट कर देते हैं लोगों को, इतना पैसा है उनके पास। इससे पहले 5 साल तक उन्होंने लगातार वीडियोस डाले थे, डेली वो एक वीडियो डालते थे, बट उनकी कोई भी वीडियो चलती नहीं थी, 5 व्यू 10 व्यू आते थे। 5 साल तक उन्होंने लगातार मेहनत करी बिना रुके बिना थमे। तो कंसिस्टेंसी, इससे पता चलती कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है यूट्यूब पे। पता नहीं आपका कब कौन सा वीडियो जो है वायरल हो जाए और बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमा लाए और बहुत ज़्यादा पैसे कमा के ले आए। तो कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पे। आप पहले भी ग्रो कर सकते हो, बहुत लोग जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत लोग लेट से ग्रो करते हैं, पर आप ग्रो ज़रूर करोगे अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो 5 साल के बाद अचानक से उनके वीडियोज़ पे व्यू आने लगे और बहुत ज़्यादा वो पैसे कमाने लगे। तो आज वो मतलब दुनिया के सबसे टॉप रिचेस्ट यूट्यूबर्स में उनका नाम आता है, मिस्टर बीस्ट। आप उनके चैनल को जाके देख सकते। तो यही मैं कहना चाहता था कि आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी रहनी होगी और आप मेहनत करो अपने वीडियोस पे, आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। सो गाइस, ये था मेरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो।